नमस्कार, जय उत्तराखंड। इस बार उत्तराखंड के मतदाताओं को तय करना है कि उन्हें इस बार दो दिन खूब शराब, शिकार, भात, सूट, साड़ी, ढोल, चिमटा, कुकर, टिप्पन, बैट बॉल, चूड़ी, बिंदी और बोर्ड के बदले नोट, देहरादून राजधानी, लूट खसोट, भ्रष्ट और माफिया राज चाहिए, या फिर जो अपना पानी है, जो अपनी बिजली है, जो पर्यावरण को बचाना है, नौकरियां चाहिए, शिक्षा, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, सुरक्षित सड़क परिवहन चाहिए, या न्यूनतम आय की गारंटी चाहिए, चंद्रनगर गैरसैंण राजधानी, अनुच्छेद 371, भूमि बंदोबस्त, चकबंदी, छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां जैसे छोटे छोटे जिले, मंडल, विकासखंड, तहसीलें, क्षेत्रफल पर आधारित परिसीमन, हरे भरे खेत खलियान, जंगल, कल कल छल छल कहते करते अपने गधेरे, बच्चों की किलकारियां मारते सुबह शाम, शंख घंट बजते के आवाज़ों से रौनक से गूंजते गांव, नशा मुक्त, शोषण मुक्त, भय मुक्त, वर्ग विहीन, आत्मनिर्भर, अनुकरणीय और खुशहाल उत्तराखंड, ये तय करना है इस बार उत्तराखंड के मतदाता को कि उसे इसमें से क्या चुनना है। अगर उसको विकास बेहतर लगता है तो ये इस बार निश्चित है कि उत्तराखंड की जो पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल, वो चाहता है कि उत्तराखंड में पहली चीज जो दो दिन चुनाव में जो एक चक्का चौध होती है, ये बहुत इतनी ज़्यादा शराब पिला देते हैं कि लोग लोटपोट रहते हैं और उल्टियाँ करते करते थकते नहीं हैं, और शिकार भात की पार्टियाँ चलती हैं, सूट साड़ी, रजाई, कंबल, बिंदियाँ और चूड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या नहीं बढ़ते, रोज और जलेबी, पकौड़ी, चाय, तो ये सारी व्यवस्था जो दो दिन के लिए चक्कर पूरे पहाड़ में रौनक आती है वो चाहिए, या एक स्थायी व्यवस्था चाहिए। अपना पानी, जो आज अपना पानी होते हुए भी हमें पीने का पानी वो मुहैया नहीं है, हमारे यहाँ बिजली पैदा हो रही है, हमको दूसरे राज्य से महंगी मिल रही है जबकि दूसरे राज्य में बिजली फ्री है, तो वो चीज़ें हमें फ्री क्यों नहीं मिल रही हैं। हमारे इतने बड़े जंगल, हमको पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, और हमको गैस फ्री नहीं मिल रही है, तो हमारी वो व्यवस्था, फ्री गैस चाहिए, या फिर जैसे कि बच्चों बाहर जाते हैं, और अभी सबने सबको पता है कि दलवीर सिंह नेगी जो पौड़ी के थे, उनको दिल्ली दंगों में उनको मारा गया बेरहमी से, उनकी मौत हो गई, और वो 6 महीने पहले यहाँ दिल्ली आए थे और एक छोटी सी मिठाई की दुकान में काम कर रहे थे। तो इस तरीके से जो हमारे लोग वहाँ से आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और यहाँ इस तरीके से उनके साथ घटनाएं हो रही हैं, और हमारे बच्चे जो नौजवान पीढ़ी इस ऐसी ठोकरें खा रहे, उससे बचने के लिए नौकरियाँ चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, ये तय करना है। मिनिमम वहाँ पर जो उत्तराखंड क्रांति दल मानता है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो वहाँ पे सरवाइव कर सकें, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजर सकें, वो एक मिनिमम न्यूनतम इनकम उनकी सुनिश्चित करेगी सरकार, और हर घर को नौकरी देगी। इसके लिए वहाँ पे जो वहाँ का सामाजिक और आर्थिक सर्वे करेगी, हर घर घर में जाके एक आंकड़ा तैयार करेगी कि किस घर में कितने लोग हैं, कितने कमाने वाले हैं, कौन सा सदस्य कितना पढ़ा है, उसको कितना अनुभव है, किस क्षेत्र में उसने कितना कितना काम किया है, वो राज्य के विकास में कहाँ उसका सहयोग लिया जा सकता है, और उसको राज्य के निर्माण में भागीदार बनाया जाएगा। हर परिवार से कम एक सदस्य को राज्य के निर्माण में भागीदार बनाया जाएगा, उसके अनुभव, उसके शिक्षा, उसकी कार्यशैली, उसकी कुशलता के हिसाब से। तो इसके लिए व्यापक सर्वे उत्तराखंड क्रांति दल कहता है कि हम करेंगे, और उस हिसाब से सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। दूसरी चीज़ जब से पशुपालन है, और अभी गौवंश के ऊपर है, गौवंश का लगभग उत्तराखंड के गांव से गाय माता गायब हो रही हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल जो एक न्यूनतम इनकम की बात कर रहा है, न्यूनतम इनकम के साथ
ये निश्चित किया जाए कि हर परिवार में लोग जो पशुपालन है और बागवानी है, कृषि है, दूसरी चीजें जैसी है, उनको बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहित राशि देगी। जैसे कोई अगर गाय पालेगा तो उसको न्यूनतम राशि दी जाएगी कि अगर एक गाय पालता है तो उसको 1,000 रुपया मिनिमम महीने का दिया जाएगा, और मैक्सिमम एक तय किया जाएगा करीब 5,000 रुपया हर परिवार को अधिकतम हर महीने मिले। उसमें वो चाहे कोई भी पशु पाले, अपना कृषि करे, अपनी बागवानी करे या कोई और काम करे, उसमें उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा। ताकि वो जैसे अब बकरियां पालता है तो बकरियों की संख्या के हिसाब से अगर वो जितनी बकरी पालेगा उस हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, और मैक्सिमम उसकी लिमिट 5,000 तक रखी जाएगी। ऐसे प्रोत्साहन राशि देकर एक उसका व्यवसाय बढ़ाया जाएगा, और दूसरा मिनिमम उसकी न्यूनतम आय जाके वो अपने गांव में रह सके वो सुनिश्चित सरकार करेगी, अगर वहाँ पे तुम क्षेत्रीय ताकत को बढ़ाते हो, उत्तराखंड क्राइम दल को सहयोग करते हो। ऐसे वहाँ पे जो शिक्षा विद्यालय हैं उनका स्तर ऊंचा किया जाएगा, उन पे शिक्षा का स्तर काफ़ी उच्च स्तर की शिक्षा उनमें होगी। जो भी सिलेबस है, जो अभी पढ़ाया जा रहा है, उसको जो पढ़ाने का तरीका है, जो वहाँ पे टीचरों की स्थिति है, जो वहाँ पे स्कूलों की स्थिति है, वो बेहतर की जाएगी। और ताकि बाहर के लोग भी आके, जो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और बाहर उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, वो आके अपने बच्चों को यहाँ छोड़े और यहाँ उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें, स्कूलों का स्तर ऐसा उठाया जाएगा। और स्वास्थ्य की सेवाएं, जैसे अभी क्या होता है कि लगातार उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्रों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं, और दुर्घटनाओं में इमरजेंसी की जरूरत होती है, और उन इमरजेंसी के लिए उत्तराखंड के गांव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। कई घंटे पैदल चलने के बाद या कई घंटे बसों में सफर करने के बाद कहीं जाके हॉस्पिटल मिलता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड क्राइम दल का मानना है कि हर ब्लॉक में कम से कम एक एक जिसमें सारी सुविधाएं हों, ऐसा हॉस्पिटल 100 बेड का खोला जाएगा, ताकि कम से कम समय में, आधे घंटे में, 15 मिनट में कोई दुर्घटना होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो वो पेश वहाँ पर मरीज जाए और उसको अपना स्वास्थ्य लाभ ले, उसको इलाज हो जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था चाहता है। और जो सड़क व्यवस्था है, जब लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, पहाड़ों को अनियोजित ढंग से काटा जा रहा है, लैंडस्लाइडिंग होती है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में देके एक सुरक्षित सड़क परिवहन की व्यवस्था करेगा। और जो बार बार जो अभी ग्रीष्मकालीन जो राजधानी की घोषणा नाटक किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसको स्थायी राजधानी में कन्वर्ट करेंगे कि अगर हमारा सचिवालय वहाँ है, हमारा विधानसभा गैरसैंण में है, गैरसैंण पहाड़ के बीच में है, गैरसैंण वहाँ की जनभावनाओं की एक केंद्र है और पहाड़ का केंद्र है, वहाँ से पहाड़ का विकास, पहाड़ का पलायन, सारे मुद्दों का एक समाधान अगर गैरसैंण है, तो उत्तराखंड क्राइम दल गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेगा। दूसरी चीज़, दो दो जगह की जो एक बर्डन वहाँ के उस पर डाला जा रहा है, कोष पे, सरकारी कोष पे, उसको ख़त्म करेगा और उस पैसे को जनता के बीच में और राज्य के विकास में यूज करेगा। दूसरी चीज़, जैसे जंगलों का विकास किया जाएगा, धारा 371, ताकि भूमाफिया जो बाहर के आ रहे हैं, देखो अभी क्या हालत है कि वहाँ के लोगों को तो चकबंदी नहीं की जा रही है और बाहर के लोगों को अधिग्रहण करके इकट्ठी जमीन दी जा रही है, इस साजिश को भी समझना होगा। और उत्तराखंड क्राइम दल धारा 371 वहाँ पर लागू करा के वहाँ पर लोगों को चक बना के जमीन देगा, ताकि लोग अपने चक को अपने हिसाब से विकसित करेंगे, उसकी सिंचाई व्यवस्था अपने हिसाब से करेंगे, उसको कैसे सुरक्षा करना है जंगली जानवरों से वो खुद व्यवस्था करेंगे, और कैसे डेवलप करना है उसमें वो अपना अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से कर सकें। और जंगलों का विकास विशेषकर किया जाएगा, पानी को संरक्षित किया जाएगा, ताकि हमेशा वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी हो, पीने के लिए पानी हो, सारी व्यवस्था हो जाएगी, हो सके इस तरीके से वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, गांव में लोग वापस आ सकें, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था का स्तर इतना हो ताकि लोग जो अभी बाहर जा रहे हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, शिक्षा के लिए, वो अपने गांव में आ सकें। और नशा मुक्त उत्तराखंड को किया जाएगा, जो यहां पर अभी शराब की जगह जगह गांव गांव तक, घर घर तक शराब पहुंचाई जाएगा गई है, उसको एकदम नशा मुक्त किया जाएगा उत्तराखंड को। शोषण जो हो रहा है लोगों का अलग अलग तरीके से, इस तरीके से, और दोहन जो हो रहा है हमारे जंगलों का, हमारे नदियों का, उनको रोका जाएगा। उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था है, जो आए दिन औरतों के साथ औरतों पर जुल्म हो रहे हैं,
जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जो ताले टूट रहे हैं, राजनीतिक है, जंगली जानवरों का आतंक है, इससे एक भयमुक्त माहौल किया जाएगा, जंगली जानवरों पर लगाम लगाई जाएगी, जंगलों को इतना डेवलप किया जाएगा कि जंगली जानवर जंगलों से बाहर ना निकले और एक आत्मनिर्भर और अनुकरणीय राज्य उत्तराखंड बन सके, ऐसा प्रयास होगा अगर उत्तराखंड के लोग शराब और ये जो दो दिन के चकाचौंध से बाहर निकलकर क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल को सपोर्ट करते हैं, तो ये क्रांति दल मानता है। जय भारत, जय उत्तराखंड।